अज दिहाड़ा 31 अक्टूबर का, अज दे दिन सिख पंथ दीआं रवायतां दे उत्ते पहरा दिंदिआं होइआं खालसे दी आन बान शान नूं बरकरार रखदिआं होइआं भाई साहिब भाई बेअंत सिंह जी ने शहादत दा जाम पीता, जिन्हां जिन्हां ने दरबार साहिब दे उत्ते हमले किते, जिन्हां जिन्हां ने भी, पहली गल तां इह है ना कि हमले क्यों किते गए दरबार साहिब ते, किन्नी वारी हमले होए दरबार साहिब दे, तकरीबन 5 वारी, क्यों हमले किए जाते दरबार साहब के, क्योंकि दरबार साहब के विचों आउंदी गुरबाणी की आवाज़ सच की आवाज़ उन्हां नूं चंगी नहीं लगती, गुरबाणी शीशा विखाउंदी है ना, इस करके वह गुरबाणी नूं सुनना पढ़ना पसंद नहीं करते, उन्हां नूं अपना चेहरा दिखाई दिंदा गुरबाणी के विचों, इस करके कहिंदे सच की आवाज़ नूं बंद कर दिओ, इस करके दरबार साहब के हमले किए जाते हैं। तो जिन्हां जिन्हां ने भी हमला किया, साडी सिख तवारीख दसदी है कि 154वें दिन का सूरज चढ़दा उह नहीं देख सके, 153 दिनां दे विच उहनां दी मौत होई है जिन्हें जिन्हें भी हमला किया। मस्सा रंगड़ भरे दरबार साहब जिथे गुरु रामदास महाराज जी का आसन लगता, तख्त लगता, उत्थे अपना मंजा डाह के कंजरियां नचाउंदा है, वेशवावां दा नाच कराउंदा, पाना दे बीड़े खा के उत्थे ही थुकदा दरबार साहब दे विच ही, ते उस मस्से रंगड़ दा सोधा लाया भाई सुखा सिंह महताब सिंह ने। जकरिया खान जिन्हें दरबार साहब की बेअदबी की, उस जकरिया खान नूं पेशाब दा बन्न पिया, भाई तारू सिंह दीआं जुत्तियां सिर च खांदा होया जकरिया खान मरिया, अपनी जुत्ती दी नोक दे अगे ला के लैके गए ने भाई साहब भाई तारू सिंह जी, कहिंदा देना भी अज जिहड़े तुहाडे केस ने ना, जिहड़े तुसीं कहिंदे हो सिखी केसां स्वासां संग निभावांगे, मैं जुत्तियां मार के केस उठावांगा। तो भाई तारू सिंह ने कहा तू की केस उठावेंगा, जिहड़ी जुत्ती मारन दे तू गल करदा खालसा तैनू अपनी जुत्ती दी नोक दे अगे ला के लैके जाएगा। 21वें दिन तक जकरिया खान के सिर च जुत्तियां पैंदियां रहियां, ते 22वें दिन भाई तारू सिंह जी शहीद हुंदे ने, इदां उस पापी का अंत होया। फिर याया खान जिन्हें हमले किए, जिन्हें दरबार साहब नूं पूर दिता, वह पापी भी 153वें दिन वह मर गया। एम शाह अबदाली जिसने आण के हमला किया दरबार साहब नूं, बरूद के कुप्पे ला के ना नीहां दे विच उड़ा दिता, ते जदों दरबार साहब नूं उड़ाया हमला किया, तोप चली है बरूद फटिया, ते दरबार साहब की इट उड के उहदी नक ते वजी, अबदाली दे उहदी नक ते इट वजी, ते नक दे उत्ते जख्म हो गया, उही जख्म नासूर बन गया, ठीक नहीं होया, ते उसे जख्म दे नाल एम शाह अबदाली वह नरक सधार गया, वो पापी इसे प्रकार चलिया गया। तो सार संगत जी, समय दियां सरकारां जिन्हें जिन्हें भी दरबार साहब ते हमला किया, समय दी सरकार बीबी इंदिरा गांधी उन्हें दरबार साहब ते हमला किया, तो वह भी 153वें दिन वह चढ़ाई कर गई, उहदे अपने रखवाले अपने जिहड़े बॉडीगार्ड सन भाई सतवंत सिंह जी भाई बेअंत सिंह जी, अज दे दिन उन्होंने उस पापड़ नूं गड्डी चाढ़िया, सामने भाई बेअंत सिंह जी खड़े ने, सवेर का समा आई, तो कहिंदे उस वेले उन्हें जाकट कोई नहीं सी पाई बुलट प्रूफ, नहीं अगे जिन्हां मंत्री ने जाकटा पा के रखदे बुलट प्रूफ उदों नहीं सी पाई, पता भी सी वी दरबार साहब दे हमला होया, सिख जिहड़े ने रोस दे विच ने, इह वी सलाह दित्ती भी जिहड़े आ सिख बाडीगार्ड ने इन्हां नूं हटा दिओ अपनी सिक्योरिटी तो, उन्हें हटाया नहीं, जिवें परमेश्वर ने होनी वरतानी हुंदी है। अज दे दिन सवेर वेले दिल्ली दे विच तुरी जावे, ते भाई बेअंत सिंह जी एकदम सामने खड़े हो गए, अपने रिवालवर दे विचों गोली चलाई है, लागे सतवंत सिंह खड़े आ, वह हैरान होया, भाई बेअंत सिंह बोलिया सतवंत सिंह की गल,
गोली क्यों नहीं चला। उस वेले भाई सतवंत सिंह ने अपनी कारबाइन स्टेन गन दे नाल ते ओद इंदिरा गांधी का पापी शरीर छलनी कर दिता। उस वेले आले दुआले जिन्हें भी कर्मचारी सन बड़े हैरान हुए भी आ एकदम की वरत गया भाणा। भाई बेअंत सिंह उस वेले शहीद कर दिता गोलियां मार के, ते भाई सतवंत सिंह जी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हां दी शहादत बाद च हुई है। इस प्रकार दे नाल गुरु के खालसे ने, गुरु के सिखां ने, गुरु के योध्या ने दरबार साहब की बेअदबी का हमला लिया। ते आने वाले समय दे विच भी जे कोई दरबार साहब की पावन गुरबाणी की आवाज़ नूं बंद करन दा यतन करेगा ते उहदी आवाज़ बंद जरूर हो जाएगी, पर दरबार साहब की आवाज़, सच की आवाज़ वह कदे बंद नहीं होनी। भाई साहब भाई बेअंत सिंह जी की शहादत नूं कोटान कोट नमस्कार है। सूरा सो पहचानिया, सूरा सो पहचानिया, जो लड़ै दीन के हेत, जो लड़ै दीन के हेत, पुर जा कट मर, कबहू ना छड़ खेत, कबहू ना छड़ खेत, वाहे गुरुआ